हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक स्पेशल हॉल वीडियो जो कि रिलेटेड है आजियो से। जी हाँ, मैंने कुछ लेटेस्ट एंड ट्रेंडी कुर्तीज़ ऑर्डर की हैं, जो कि ऑर्डर की हैं मैंने आजियो से, क्योंकि मुझे स्पेशल कुर्तीज़ मैंने देखी थी कुछ आजियो पर जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, दैट्स व्हाई मैंने उनको ऑर्डर किया है। पर्सनल एक्सपीरियंस होगा जो कि मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आज के इस हॉल की सबसे पहली कुर्ती जो कि मैंने ऑर्डर की है आजियो से। ये देखिए, ये है वो कुर्ती। ये कुर्ती काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है और इसका जो फैब्रिक है वो रेयॉन है। इसका जो प्रिंट है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। पहनने के बाद आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसकी। देखने में ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही है और इसका जो मीन्स क्वालिटी है, और ये कोई नॉन ब्रांडेड नहीं है, ये धूनी ब्रांड की कुर्ती है, आप देख सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी है और अफोर्डेबल रेंज में मिला है। मुझे ये कुर्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैं इसका हॉल बना रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह की मैंने और भी कुर्ती मंगाई हैं जो कि मैं अभी आपको दिखा दूँगी। ये कुर्ती मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसीलिए मैंने सबसे पहले अपने हॉल में ये वाली कुर्ती आपको दिखाई है। मेन चीज़ है इसका प्रिंट और इसका डिज़ाइन जो कि काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट है। इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने ये लेगिंग्स ऑर्डर की है, ये भी मैंने आजियो से ही मंगाई है। ये लेगिंग्स है ट्विन बर्ड की, आपने देखा होगा, ये आप देख सकते हैं ये ट्विन बर्ड की लेगिंग है। ये अराउंड मुझे 700 की पड़ी है, 750 अराउंड या 700 की ये लेगिंग मुझे पड़ी है। बट अच्छी है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये लेगिंग्स ख़राब है। बट द पॉइंट इज़ दैट कि 700 के अकॉर्डिंगली मुझे इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगी। कि एक लेगिंग मैंने मंगाई है जो कि आवासा से है, वो 350 रुपीज़ की है, उसकी क्वालिटी इससे बेटर है। मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा मीन्स स्ट्रेचेबल है, बट मुझे उतनी ख़ास नहीं लगी। मीन्स इसका जो फैब्रिक है वो आवासा वाली लेगिंग से हल्का है और पहनने के बाद काफ़ी न्यूड काइंड ऑफ फीलिंग आती है। तो मुझे इतने हल्के फैब्रिक की लेगिंग समझ नहीं आती हैं, क्योंकि ये कुर्ती भी ऊँची है और इस तरह की जो लेगिंग्स है अगर ऐसी होती है तो कुछ समझ नहीं आता है। तो मुझे तो ये कुछ ख़ास नहीं लगी, एज़ पर द प्राइस पॉइंट मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। बट क्योंकि मुझे इसका और इसका पेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, दैट्स व्हाई मैंने ये लेगिंग साथ में ली। आप साथ में देख भी रहे होगे स्क्रीन के ऊपर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दैट्स व्हाई मैंने ये लेगिंग्स और ये कुर्ती ली है। मुझे तो ये कुर्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, लेगिंग्स दोस्तों है। अब जो मैं आपको कुर्ती दिखाने जा रही हूँ अगेन, वो भी मैंने आजियो से ही मंगाई है और ये कुर्ती भी धूनी की ही है, धूनी ब्रांड की कुर्ती। ये भी काफ़ी अच्छी है, अंडर 500 मुझे ये वाली कुर्ती भी मिली है। कुर्ती का फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, ये खादी टाइप का फैब्रिक है, कॉटन के ऊपर है, फुल्ली कॉटन के ऊपर है, फुल रेयॉन या फिर चीप काइंड ऑफ फैब्रिक नहीं है। इसकी मुझे फैब्रिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। सामने से इसकी ये जो डिटेलिंग दी हुई है, इसके ऊपर ये जो एम्ब्रॉयडरी कर रखी है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, जो इसको एक अलग सा ट्रेंडी लुक देती है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, पहनने के बाद भी इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही है। तो मुझे ये वाली कुर्ती भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, देखती हूँ आपको कैसी लगी मेरी ये वाली कुर्ती। फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको कुर्ती दिखाने जा रही हूँ वो भी सेम ब्रांड धूनी की ही है, ये देखिए। ये अभी मैंने आजियो से मंगाई है। ये कुर्ती भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और प्रिटी है। मेन चीज़ है इसके फैब्रिक की क्वालिटी, इसकी फैब्रिक की क्वालिटी एकदम ऑसम है। पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक आता है, वो आप खुद ही देख पा रहे हो। आप ऐसे ऑफिस वेयर, ऐसे मीन्स कैजुअल वेयर कभी भी कैरी कर सकते हो, ऑफिस जाने में, कॉलेज जाने में। काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। इसकी इस स्लीव पे भी ये डिज़ाइन की हुई है, आगे से ये देखिए किस तरीके से इस पे स्टिचिंग का डिज़ाइन दिया हुआ है। ये बटन की डिटेलिंग दी हुई है, इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और स्टाइलिश लुक देती है। बट एक ही पॉइंट है, इन कुर्तीज़ की लेंथ थोड़ी कम है। मैं थोड़ी लॉन्ग कुर्ती कैरी करती हूँ तो मुझे वो एक ड्रॉबैक लग रहा है। बट ओवरऑल देखा जाए तो कुर्ती काफ़ी ज़्यादा प्रिटी एंड स्टाइलिश है। तो मुझे ये वाली कुर्ती भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, देखती हूँ आपको कैसी लगी मेरी ये वाली कुर्ती। मैं आपको कुर्ती दिखाने जा रही हूँ, वो कुर्ती है ये देखिए, ये वाइट ऑफ वाइट कलर की कुर्ती है, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश एंड ट्रेंडी है। सबसे मेन चीज़ है इसका ये फैब्रिक, मुझे जो चीज़ पसंद आई है वो जो आप इसके ऊपर ये जो आप वर्क देख पा रहे हो,
ये आप देख रहे हो, ये थ्रेड वर्क है जो पूरी कुर्ती के फैब्रिक पे किया हुआ है, चाहे वो फ्रंट हो या वो बैक हो। तो इसका ये जो थ्रेड वर्क है ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। सामने की ये जो एम्ब्रॉयडरी की भी उतनी ख़ास नहीं है, अच्छी है, बट मैंने जो रीज़न था वो कुर्ती इसीलिए ली, इसकी कुर्ती के ऊपर ये जो थ्रेड वर्क किया हुआ है। मैं चीज ये अभी से किसी भी कलर की लेगिंग्स के साथ कैरी कर सकते हो, उसमें मल्टी कलर्स हैं, तो मुझे ये वाली कुर्ती भी काफ़ी अच्छी लगी। पर एक ही पॉइंट इसमें भी है, इसकी भी लेंथ उतनी नहीं है जितनी कि मुझे चाहिए रहती है, लेंथ कम है, बट मुझे ये वाली कुर्ती काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आपको देख के कैसी लगी है मेरी ये वाली कुर्ती? फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको कुर्ती दिखाने जा रही हूँ, अगेन वो भी ब्रांड धोनी है और मैंने ली है आजियो से। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये कुर्ती, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। मुझे ये कुर्ती भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मेन चीज़ है इसका ये कलर जो कि बहुत ज़्यादा मिट्टी है और इसको स्टाइलिश लुक देता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए, इस पर ये वाला वर्क का डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी जो किया हुआ है स्लीव में भी है और इसके ओवरऑल नेक पे भी है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी प्रिटी है। इस लेगिंग्स इसको भी मैं ट्विन बर्ड वाली सेम लेगिंग के साथ कैरी कर सकती हूँ, बट मैंने ये ग्रे कलर का प्लाजो लिया है। ये प्लाजो मैंने मीशो से परचेज किया है जो कि अराउंड मुझे 300 में मिला है, क्योंकि मैं इसके साथ कुछ स्पेशल थोड़ा सा लूज काइंड ऑफ स्टाइल चाह रही थी, दैट्स व्हाई मैंने ये प्लाजो भी लिया। प्लाजो भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो हॉल वीडियो में मैं उसकी भी डिटेलिंग आपको बताऊंगी, बट फॉर टाइमिंग मुझे ये वाली कुर्ती बहुत ज़्यादा पसंद है। बट एक ही पॉइंट है कि इनकी जो लेंथ है वो कम है थोड़ी सी, बट वही चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि आप इसे जीन्स पर अच्छे से कैरी कर सके हो, बट सलवार वगैरह पे या प्लाजो पे उतनी ज़्यादा स्टाइलिश नहीं लगेगी। बट हाँ, एक चीज़ है कि इसका जो फैब्रिक है वो काफ़ी अच्छा है। ये प्योर कॉटन का फैब्रिक है, खादी में जो होता है, ऐसा नहीं है कि ये ख़राब सा फैब्रिक है और कुर्ती कुछ टाइम में ख़राब हो जाएगी। जी नहीं, ये जल्दी ख़राब होने वाली नहीं है, ब्रांडेड कुर्ती है, अच्छी कुर्ती है, अंडर 500 है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि अफोर्डेबल रेंज में है, तो मुझे तो ये काफ़ी पसंद आई ये वाली कुर्ती। देखती हूँ आपको कैसी लगी मेरी ये वाली कुर्ती। तब जो मैं आपको कुर्ती दिखाने जा रही हूँ वो है ये देखिए, ये भी धोनी की कुर्ती है जो कि मैंने आजियो से ही परचेज की है। प्राइस इसका भी अराउंड वही है जो सारी कुर्तीज का है, अंडर 500। ये कुर्ती भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेन चीज़ ये है कि इसके लिए जो डिटेलिंग दी है, बटन भी यहाँ पे भी और इसके ये देखिए बैक साइड में भी, ये देखिए इस तरह का ये बटन लगा हुआ है जो कि इसको बहुत ही अलग सा लुक देता है, काफ़ी स्टाइलिश लग रही थी मुझे ये साइड पर देखने में, दैट्स व्हाई मैंने इसको ऑर्डर किया। इस तरह का कलर्स मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, बट ये एक ही कुर्ती थी इस तरह के कलर में, इस तरह के डिज़ाइन में, दैट्स व्हाई मैंने इसको ऑर्डर किया। मुझे तो ये कुर्ती काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके साथ में कैरी करने के लिए मैंने आजियो से ही ये देखिए ये अवासा की लेगिंग्स मंगाई है जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, मैंने पहनी हुई है। दोनों का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ये लेगिंग्स मुझे आफ्टर डिस्काउंट 350 रुपीज़ में मिली है, आप देख लीजिए ये अवासा की लेगिंग्स है। और इसका मैं बता दूँ आपको, बहुत ही अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ट्विन बर्ड और इसकी क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ट्विन बर्ड की क्वालिटी जो है इससे ज़्यादा हल्की है और इसकी क्वालिटी थोड़ी सी उससे ठीक है, इसका फैब्रिक उससे थोड़ा बेटर है। और ट्विन बर्ड है 700 समथिंग की और ये मुझे पड़ी है 350 की, तो आप ही समझ सकते हो कि अब कम कॉस्ट में मिलेगा और अच्छी क्वालिटी मिलेगी तो इंसान किस चीज़ को प्रेफर करेगा। तो डेफिनेटली मैं आवासा की तरफ जाऊँगी, मुझे इसकी ये लेगिंग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है जो कि मैं अपनी मरून कलर की कुर्ती के साथ कैरी करने वाली हूँ। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, देखती हूँ आपको कैसी लगी मेरी ये वाली कुर्ती। जो मैं आपको कुर्ती दिखाने जा रही हूँ वो कुर्ती मैंने मंगाई है मिंत्रा से। ये 16 ब्रांड की कुर्ती है, ये देखिए आप इसे देख पा रहे होगे, लोकल में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, बट आप उनको जब पहनते हो तो उनकी क्वालिटी बहुत गंदी आती है। पहनने के बाद वो कहीं से लूज़ और कहीं से टाइट होता है या फिर उसकी फिटिंग सही नहीं होती है, दैट्स वाई कुर्तीज़ के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि आप लोकल ब्रांड पर जाओ। ये ये 16 की कुर्ती है जो कि मैंने मिंत्रा से मंगाई है। ये कुर्ती मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेन चीज़ ये है इसकी लेंथ भी अच्छी है, इसमें साइड में पॉकेट भी दिया हुआ है, एकदम ये प्लेन है बट क्वालिटी वाइज सुपर मुझे काफ़ी अच्छी लगी। प्योर एकदम ओरिजिनल रेयन फैब्रिक है, इसके स्लीव भी आप देख सकते हो। तो मुझे अपनी ये वाली कुर्ती जो कि मैंने मिंत्रा से मंगाई है, ये मुझे
ओवरऑल और सारी कुर्तीज में सबसे ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि सिर्फ पॉइंट ये है कि इसकी लेंथ अच्छी है। उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि अभी थोड़ा सा आउटडेटेड लग रहा है इस टाइम के अकॉर्डिंगली, बट ये मिंत्रा से भी मुझे अराउंड 650 रुपीज़ समथिंग की ये कुर्ती मुझे मिली है, जो कि थोड़ा ही सा प्राइस ज़्यादा है, बट क्वालिटी वाइज ये देखा जाए तो उनसे एक नंबर बेटर ही है। ऐसा नहीं है कि वो कुर्ती अच्छी नहीं है, बट ये कुर्ती मुझे ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसकी लेंथ अच्छी है, इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है, स्पेशल चीज़ का कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी ये वाली कुर्ती। अब देखती हूँ आपको कैसी लगी मेरी ये वाली कुर्ती। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की कुर्ती। जैसा कि हमेशा से मैं ऐसा करती आई हूँ, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ, सारी ऑनलाइन शॉपिंग के साथ मैं एक ऑफलाइन शॉपिंग का भी प्रोडक्ट लेकर के आती हूँ। तो कुर्तीज हॉल में भी मैंने एक ऐड किया है ऐसा प्रोडक्ट जो कि मैंने परचेज किया है मार्केट से। ये किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग से नहीं और शॉपिंग साइट से नहीं, बल्कि मैंने मार्केट से परचेज किया है। और वो कुर्ती है ये देखिए, ये कुर्ती मैंने मार्केट से परचेज की है और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, ये कुर्ती मुझे मिली है 200 रुपीज में। आप देख सकते हो ये कुर्ती, इसका भी फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है इसका फैब्रिक ख़राब है। सामने से बटन की डिटेलिंग दी गई है, फिनिश उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि उन कुर्तीज की है, बट हाँ पहनने के बाद आप खुद ही देख रहे हो इसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट आ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कोई नॉन ब्रांडेड कुर्ती कैरी की हुई है। तो एज़ पर द प्राइस पॉइंट मुझे तो ये कुर्ती काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, जो कि मैंने मार्केट से परचेज की है 200 रुपीज़ में। अगर आपको ऐसी क्वालिटी मिले तो आप ज़रूर जाओगे। तो इनमें से कोई भी कुर्ती की कॉस्ट 200 नहीं है, बट ये कुर्ती मुझे 200 रुपीज़ में मिली, जो कि मैंने सामने से देख करके ली है। फैब्रिक की क्वालिटी भी अच्छी है, इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेन चीज़ ये है, ये वाली लेगिंग जो कि मैंने आवासा की ली है, वो भी इसके साथ बहुत अच्छी लगने वाली है। तो मैं तो इन दोनों की एक साथ कैरी करूँगी। आप खुद देखना इसका लुक कितना ज़्यादा प्रिटी आएगा। तो मुझे तो ये कुर्ती काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो कि एक नॉन ब्रांडेड कुर्ती है और मैंने लोकल स्टोर से ख़रीदी है। तो मुझे प्राइस को देखते हुए मुझे ये कुर्ती काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब देखती हूँ आपको कैसी लगी मेरी ये वाली कुर्ती। इसका मेरा कुर्तीज हॉल जो कि रिलेटेड था आजियो एंड मिंत्रा और लोकल स्टोर से, मैंने काफ़ी सारी कुर्तीज़ कवर अप की, बट मैं सिर्फ लास्ट में यही बोलना चाहूँगी, जब भी आप कुर्ती ट्राई करो तो आप ट्रस्टेड साइट से कुर्ती लो, क्योंकि कुर्तीज़ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर अच्छी नहीं होती हैं या सही नहीं लगती हैं पहनने के बाद, उनका लुक नहीं आता, तो वो रिटर्न होने में भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप प्रेफर करोगे आजियो मिंत्रा से कुर्तीज़ लेना, क्योंकि ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी की मिलेंगी, सेम कलर मिलेगा आपको, अदर साइट्स पर ऐसा नहीं होता है। अगर कलर या किस तरह का कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो एक्सचेंज होने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप उसे पहन कर देखते हो और उसके बाद वो टैग वगैरह हट जाता है, तो वो रिटर्न नहीं लेते। तो आप जब भी कुर्ती लो तो मैं यही बोलूँगी कि आप बाहर से भी ख़रीद सकते हो, सामने से देख करके ट्राई करके। अदरवाइज़ अगर आप ऑनलाइन शॉप कर रहे हो तो ट्रस्टेड साइट से लो, जहाँ पर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, एटलीस्ट जो चीज़ आपने देखी है आपको वही चीज़ मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कलर डिफरेंस है या फिर साइज़ डिफरेंस है, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो ईजली चेंज हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, बट सारी साइट ऐसी नहीं है और एवरी टाइम रिटर्न भी पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स वाई मैं आपको यही प्रेफर करूँगी, आप जब भी कुर्ती लो, आप लोकल स्टोर से भी ले सकते हो, ऑनलाइन लो तो ट्रस्टेड साइट से लो। तो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।